हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड द पंजाब यूनिवर्सिटी साइट। सो आज हम आ गए हैं, किस लिए इतनी सारी न्यू अपडेट्स हैं आप सबको दिख रहा होगा, न्यू लिखा हुआ है, इन सारी डिटेल्स पे डिस्कस करने के लिए। तो आज मैं सबसे पहले इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने जा रही हूँ, जो पीजी की लिस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, ये रहा प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट 2021 की तरफ। ये हमारे पास यहाँ से ओपन हो जाती है डायरेक्ट ही। प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट किस किस के हैं यहाँ पर, एमए एजुकेशन के हैं, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स है, एमएससी मास्टर्स ऑफ बॉटनी ऑनर्स है, स्कूल सिस्टम के हिसाब से है, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, एडवांस डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इंग्लिश टू पंजाबी, जो कि 2 ईयर्स के रहेंगे ये सभी डिप्लोमास। फिर एमए पंजाबी में भी आ जाता है अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी से करते हैं। डिप्लोमा चाइनीज में भी करवा रहे हैं, चाइनीज में भी डिप्लोमा है, एंड एडवांस डिप्लोमा इन चाइनीज ऑल्सो अवेलेबल इन द पंजाब यूनिवर्सिटी। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था और उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है कि अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, क्योंकि उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जितने मार्क्स थे उसके हिसाब से और उनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हम चेक कर लेते हैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के बारे में, क्लिक करते हैं, क्योंकि ये सारी लिस्ट जो है आजकल में ही आई है। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही हमारी लिस्ट ओपन होती है, इसके अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, जो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले बात तो ऊपर से कंफर्म कर लेना, सेशन 21-22 का ही होना चाहिए, 2020-21 का नहीं होना चाहिए। सारी बात ये लिखा है, लिंक टू द फी पोर्टल, जो देखिए फी पोर्टल का लिंक रहेगा हमारे पास, इस पर आप कॉपी कर सकते हैं, इस लिंक को पेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस लिंक से अपनी फीस पे कर सकते हैं। फीस इन्होंने बताई है जर्नल कैटेगरी की क्या रहेगी, 8095 रुपीज़ रहेगी। उसके बाद फीस टू बी डिपॉजिटेड अंडर कोड कैप्स लॉक के अंदर है, कैपिटल लेटर्स के अंदर है, T0230 है। द ओरिजिनल फी रिसिप्ट शुड बी सबमिटेड इन द ऑफिस बाय 19 सितंबर तक जो है हो जानी चाहिए पॉजिटिवली। अगर आप 19 सितंबर से चूक जाते हैं तो सॉरी, आपका एडमिशन नहीं होगा और फी रिसिप्ट हो पे कर देनी है आपको और 19 तक। अगर आप यूटी के रहने वाले तो वहाँ पर ओरिजिनल कराएं तो वेल एंड गुड है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। डायरेक्टली हम एजुकेशन वहाँ पर जाकर, ये जो साइट दिख रही है ना आपको education@pu.ac, वहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं तो भी हमारा काम अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें फीस पे कर देनी चाहिए सितंबर तक, मतलब 1-2 दिन ही दिए गए हैं, कल 17-18 दो दिन हैं आपके पास। थर्ड डे प्लीज़ मत ही पे करिएगा, क्योंकि लास्ट डे हो जाता है, पहले ही होप्स को कर दीजिएगा। अगर कोई भी फिर कोई दिक्कत होती है तब आप लास्ट डे रखिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ प्लीज़ पे इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। और SC कैटेगरी की मैं बात करूँ, बहुत मिनिमल कॉस्ट रखी गई है, दैट इज़ जस्ट ₹295 रखे गए हैं। फॉर फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी ₹295 ही रखा हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस एक बार नज़र डाल लेते हैं ज़रा हम, कैटेगरी जनरल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बच्चे हैं। तो देख लीजिए, रावी नाम आए हैं इन्होंने, कुछ मेरिट स्कोर जो रही हैं इनकी काफ़ी थाउजेंड्स के अंदर गई हैं। वाह, 2000 के अंदर है, 2162.863, दैट्स फैबुलस। तो कहाँ तक बच्चों के नाम आए हैं, अपने लोबसेंग भुट्टी कोई बच्चा है, वहाँ तक नेम्स आए हैं। चेक इट आउट, इट इज़ अ गर्ल, ओह इट इज़ नॉट मेंशन दैट इट इज़ इट, बट इट इज़ ऑफ डिफेंस कैटेगरी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और जितनी भी न्यू चीज़ें आई हैं मैं उन सब पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसे ही न्यू अपडेट्स डेली पाते रहें।